मैं हरकीरत सिंह प्रयागराज से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो सब पसंद आए तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें और बेल क्लिक करिए। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुंभ मेला एकदम पूरा सज रहा है, जो कि पूरे विदेश से इतने लोग आएंगे श्रद्धालु गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पर, और इस पावन डुबकी लेने के लिए और अपने कल्पवास करेंगे जनवरी से फरवरी तक। कल्पवास करेंगे और कल्पवास में लोगों को एकता भाईचारे का भी संदेश मिलेगा यहाँ पर, और स्वच्छता का सबसे विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो बच्चे जो युवा टीम ये देख रहे हैं कि पेड़ पे श्रृंगार कर रही है, इसका उद्देश्य है कि पेड़ों के प्रति लोगों के प्रति श्रद्धा बढ़े, आस्था बढ़े, और अपने जीवन को अगर बचाना है तो पेड़ लगाना होगा, और पेड़ लगाना होगा तो पेड़ों में सुंदरता भी लानी होगी। और ये सबसे बड़ा कुदरत का कहना है, यूँ कह लीजिए कि धरती का श्रृंगार है ये, और इस श्रृंगार रूपी को और अच्छा बनाने के लिए हमारी युवा टीम साथ में लगी। करीब 1000 पेड़ों में बिल्कुल ये श्रृंगार किया जा रहा है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को, आने वाली संगत को, आने वाले लोगों को, विदेशों को ये आकर्षण का केंद्र बने कि लोगों ने कितनी आवभगत से ये स्वागत कर रहे हैं। ये भी एक कला है इंसान की, इंसान अपने रूप को किस तरह चित्रण कर रहा है ये आप देख रहे हैं। युवा टीम गति का किला दिख रहा होगा आपको, वहाँ भी पेड़ लगे हुए हैं, नाव है, और ऐसे युवा युवतियाँ जो पेड़ों को बचाने के लिए वृक्षों में एक अच्छा मैसेज चित्रों के माध्यम से, ताकि लोगों को आकर्षक का केंद्र बने, सुंदर लगे, और बेहतर रंग देने के लिए गहराई तक छूने की एक अभिलाषा इन युवाओं के साथ मेरा भी छोटा सा सहयोग है। और ऐसे ये लोग नहीं, हर कुंभ मेले में, हर माघ मेले में पेड़ों के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं, ताकि पेड़ अपनी खूबसूरती को जिंदा रख सके। और पेड़ जब जिंदा रहेंगे तो इंसान जिंदा रहेगा। अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो पेड़ों को लगाना होगा, और पेड़ों में खूबसूरती लानी होगी, और खूबसूरती तभी लाएंगे। जो भी श्रद्धालु आए, संगत आए, इसे देखने के लिए प्लीज़ इसे गंदा ना करें, और इसे स्वच्छता बनाए रखें, ताकि कोई भी गंदगी ना करे। ये पेड़ इन बच्चों के हाथों से, कोमल हाथों से चित्रण किया जा रहा है, जो आप देख रहे होंगे हमारी यूट्यूब में, और मैं बेहतर ढंग से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब आप यहाँ पे आएंगे जनवरी में तो आपको और अच्छा लगेगा, ये पूर्ण रूप से बन कर तैयार होगा। जब आप इसे देखेंगे तो आपको अभिलाषा लगेगी कुछ ले कर यहाँ से जा रहे हैं। और ये चीज़ मैं चाहूँगा कि अपने साथियों से भी चाहूँगा कि कुछ बोलना चाहूँ इसके बारे में। मैं